Love and blessings to all divine souls. Welcome to Healer's Land. तो आज का वीडियो है रोल ऑफ सेशंस, यानी काउंसलिंग सेशंस की जो भी लोग अवेकनिंग में होते हैं, अवेकनिंग के प्रोसेस में जो दूसरों से काउंसलिंग सेशंस लेते हैं, तो वो सेशंस कितने ज़रूरी हैं लेने। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो कि अवेकनिंग के प्रोसेस में हम किस हद तक दूसरे की हेल्प लेनी चाहिए, यानी किसी और से कोर्स लेना, सीखना, उनके बताए हुए टिप्स को फॉलो करना चाहिए, वो किस हद तक ज़रूरी है, क्या वो जो टिप्स बता रहे हैं हमें वो सही है भी या नहीं है, वो जो गाइडेंस दे रहे हैं वो कितनी सही है हमारे लिए, इस हमारे इस स्पिरिचुअल पाथ के लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूँ, हम सबकी जर्नी अलग होती है, सबको एक से लेसन्स नहीं सीखने होते, सबको सब जो कर्मास फेस कर रहे होते हैं वो भी सबके अलग अलग होते हैं। और मेरा मानना है कि यूनिवर्स ही है, गॉड है, जो सबका सेशन ले ही रहा है। सो इस अवेकनिंग प्रोसेस को समझ चुके होते हैं, उनको फील आता कि कहीं सेशंस कहीं लेना, क्योंकि सबके अंदर जो एनर्जी, स्टैग्नेंट एनर्जी होती है, जो कर्मा बैगेज होता है, वो एक सा नहीं होता है। बहुतों के जो ट्रॉमास होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनको हील होने में भी 2-3 साल लग जाते हैं, किसी को 5 साल लग जाते हैं, ये कह नहीं सकते इस अवेकनिंग में। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाकी सब तो 6 महीने 1 साल में ही बैलेंस हो जा रहे हैं, उनमें डिवाइन मर्जिंग हो रही है और हमारे साथ कुछ ऐसा हो नहीं रहा। तो फिर उन्हें नीड फील होती कि पेड कोर्सेस, यानी बाहर से काउंसलिंग कराई जाए, खुद को हील करा जाए। फ्रेंड्स, अपनी अवेकनिंग से मैंने ऑब्जर्व किया कि मेडिटेशन करके कितना ही खुद को कॉन्शियस और सबकॉन्शियसली हील कर लो, हाँ आप हील हो जाते हैं बहुत हद तक, पर सही ज्ञान के बिना ये हीलिंग भी अधूरी मानी जाती है, मतलब अविद्या की स्टेट में रहते हुए इस अवेकनिंग के पाथ पे नहीं चला जा सकता। यानी आपको यूनिवर्स का, सोल का अगर पूरा अच्छे से ज्ञान नहीं है, तो जो भी आपने सब कॉन्शियसली हील किया है उसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। और एक ज़रूरी बात, जैसे कि सबकी जर्नीस अलग होती, सो गॉड सबको गाइडेंस देते हैं, इंट्यूशन जो इनर गट्स आते हैं, जबकि हम साधना में लगे होते हैं हमें गट्स बहुत ज़्यादा आती हैं कि उससे फॉलो कीजिए, वो एक तरीके से गॉड की, यूनिवर्स की गाइडेंस होती है। मानो आप कंटिन्यूसली किसी बात को लेके परेशान हैं, सोचे जा रहे हैं, तो आपके भीतर से कोई अपने आप ही एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, अचानक से ही कोई समाधान एकदम से आपके माइंड में आ जाता है उस वक्त। क्यों, और वो क्या होता है, वो एक तरीके का डाउनलोड होता है, यूनिवर्स की गाइडेंस दी हुई होती है, तो उसे हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त साधना करते हुए हम यूनिवर्स से पूरे अलाइन रहते हैं। और एक बात कि लोग सेशंस ले तो लेते हैं, पर उनकी डिपेंडेंसी भी बढ़ जाती है उन लोगों पर जो उनको काउंसलिंग सेशन दे रहे होते हैं। गाइस, मैं ये सेशंस लेने के खिलाफ नहीं हूँ कि आप ना लीजिए, पर चूँकि सबकी जर्नीज अलग होती है, जो आपको सेशन दे रहे होते हैं उनका भी पाथ अलग होता है, जर्नी अलग होती है, तो सबकी गाइडेंस, सबको गाइडेंस भी क्या डिफरेंट ही आती है, अलग ही आती है उनके पाथ को देखते हुए। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप सेशंस लेते भी हैं, बट जो भी आपकी सिचुएशंस आती हैं कोई भी, उसको आप खुद
खुद एनालाइज़ कर नहीं पाते हैं, आपको उसे खुद एनालाइज़ करना चाहिए। अवेयरनेस में रह के अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लीजिए और साथ में सही नॉलेज रखिए। अविद्या की अवस्था में नहीं रहना चाहिए किसी को और हमेशा गुरु के सानिध्य में रहते हुए इस जर्नी पर बने रहिए। कि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंडिविजुअल में हीलिंग एबिलिटी होती है, वो खुद से हील कर सकता है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती किसी पर डिपेंडेंट रहने की। ओके फ्रेंड्स, सो यही मुझे बताना था। इस ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।